एट 500 केल्विन, एट 500 केल्विन, ठीक है। ध्यान दो, 500 केल्विन पर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है, तो मैंने लिक्विड की क्या दी हुई है, 500 केल्विन पर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है कि कोई लिक्विड है एक मोल और वो गैस में बदल रहा है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में, एक मोल लिक्विड के लिए डिफाइन होता है 10 किलो कैलोरी पर मोल, ये डेल्टा एच दे रखा है उसमें, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो मैं निकालना डेल्टा यू वेपराइजेशन, लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक तो मैं डेल्टा यू निकालना, दूसरा 3 मोल के लिए निकालना है। तो एक काम करो, पहले 1 मोल के लिए निकाल लो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, काम बन जाएगा, है ना। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कितना होगा, गैशियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 माइनस गैशियस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 0, डेल्टा एनजी आ गया निकल के 1, डेल्टा एनजी कितना आ गया निकल के 1, ठीक है। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी, डेल्टा एच बराबर 10, डेल्टा यू 1, कैलोरी में तो आर की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, टेम्परेचर 500 है, इसे 1000 से करेंगे डिवाइड, क्यों, आगे वाला किलो कैलोरी में है और ये अभी कैलोरी में था, तो किलो कैलोरी में बनाना पड़ेगा। तो डेल्टा यू आ जाएगा 9 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि आपने 1 मोल लिक्विड के लिए सॉल्व किया, तो 1 मोल लिक्विड के लिए डेल्टा यू कितना निकाला, वो निकाला 9 किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा यू फॉर 3 मोल लिक्विड इज 27 किलो कैलोरी, ये टोटल हीट है 27 किलो कैलोरी, इसे पर मोल नहीं लगेगा क्योंकि इसमें तुमने मोल का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो ये होगा 27 किलो कैलोरी टोटल हीट होगी। तो यहां पर तुम इस तरीके क्वेश्चन लगाने के लिए मिलेंगे, यहां पर तुम्हें